जो शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको पोएम जो है लेसन नंबर 5 आई विश आई कुड क्लास 6 की रेनबो की पोएम आई विश आई कुड की कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को मैं आपको करवाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, वेयर डज ए डाइवर डाइव, मतलब जो डाइवर होता है, गोताखोर होता है, वो कहाँ पर कूदता है, कहाँ पर गोता लेता है। तो बहुत ही आसान है, शब्दों में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोएम में दे रखा था कि डाइवर जो होता है वो कहाँ पे गोता लेता है, डाउन अंडर द सी। तो यहाँ पे आपने आंसर बनाना है। आंसर कैसे बनेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर बनेगा, इसको काट दीजिए और ये हो जाएगा ए डाइवर, ये हो जाएगा डाइव्स, ठीक है। कहाँ पे, डाउन अंडर दी, यहाँ पे हो जाएगा डाउन अंडर दी सी, ठीक है बच्चों, डाउन अंडर द सी। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से मैं पोएम से दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे डाउन अंडर द सी, तो यहाँ पे लिखना है ए डाइवर, यहाँ पे डाइवर भी लिखा हुआ है, ये रहा ए डाइवर डाइव्स, यहाँ पे लिखना है डाइव्स आगे बस, ए डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी, और इसका डी स्मॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए डाइवर, यहाँ पे कॉमा हट जाएगा, ए डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी, इस तरह से आंसर बन जाएगा इसका। दूसरा देखिए, वट डज एन इंजीनियर डू, इंजीनियर क्या करता है, तो यहाँ पर लिखना है एन इंजीनियर, ए एन कैपिटल हो जाएगा, एन इंजीनियर, डू कट जाएगा, तो क्या करता है वो, एन इंजीनियर कैन फिक्स, सी ए एन कैन फिक्स, फिक्स कर सकता है, सही कर सकता है, और क्या कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और रिपेयर किसको कर सकता है, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को वो रिपेयर कर सकता है इंजीनियर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो क्या लिखा जाएगा, एन इंजीनियर कैन फिक्स और रिपेयर, REPAIR, रिपेयर एनीथिंग, ठीक है, इंजीनियर किसी भी चीज़ को सही कर सकता है, फिक्स कर सकता है। अगला देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोएम, कौन कौन से प्रोफेशंस जो है वो मेंशन किए गए हैं पोएम के अंदर, दिए गए हैं, तो कौन कौन से हैं देखिए। पहला प्रोफेशन क्या दिया गया है, ड्राइवर का, दूसरा बच्चों एस्ट्रोनॉट का, और देखिए तीसरा पायलट का, फोर्थ है आपका क्रिकेटर, उसके बाद इंजीनियर, उसके बाद डॉक्टर, देख रहे हैं कितने सारे दिए गए हैं, उसके बाद शेफ, तो ये सारे के सारे आपके जो हैं इसमें प्रोफेशंस दिए गए हैं, तो आप एक एक करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट, आपके हिसाब से कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है, तो आप कोई सा प्रोफेशन इसमें लिख सकते हैं, इसमें आप डॉक्टर लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं, इंजीनियर लिख सकते हैं, ठीक है, पायलट लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं टीचर या डॉक्टर प्रोफेशन, या डॉक्टर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर लिख दीजिए और हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर, द डॉक्टर प्रोफेशन, द लगा दीजिएगा, द में जो है आपका कैपिटल बनाना है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे विच कट जाएगा और कुछ नहीं होना है, आपने लिखना है द डॉक्टर, DOCTOR, ठीक है, द डॉक्टर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे मी कर देना है, इज़ द बेस्ट, और यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है, पूर्ण विराम जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट है,
विच इज़ योर फेवरेट डिश कुक्ड बाई योर मदर, आपकी माँ के द्वारा पकाई जाने वाली कौन सी आपकी डिश जो है आपकी फेवरेट है, मनपसंद है। वट इज़ योर फेवरेट डिश कुक्ड बाई योर मदर, तो आप समोसा लिख सकते हैं, आप नूडल लिख सकते हैं, आप इसमें पाव भाजी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, पाव भाजी लिख दीजिए आपकी इच्छा हो तो, पाव भाजी। PAW पाव और BHAJI भाजी, पाव भाजी, छोले भटूरे लिख सकते हैं आप, ठीक है, जो इच्छा हो सो आप लिख सकते हैं इसमें। चलिए वर्ड पावर मैं आपको करवा देता हूँ इसमें। यहाँ पे देखिए दिया गया है ए पर्सन हु ट्रेवल्स, कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, एक व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करता है, भ्रमण करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, जिसको अंतरिक्ष यात्री बोला जाता है। ए पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, जो प्लेन उड़ाता है कहाँ पे, स्काई के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको बच्चों बोलते हैं पायलट। तो यहाँ पे आप पायलट आ जाएगा ये, ठीक है, ये पायलट भर देना है इसमें, PILOT पायलट, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज अ चीफ कुक इन अ होटल, चीफ कुक इन अ होटल, तो देखिए मैं मिटाता जा रहा हूँ आप देखते जाइएगा, तो पहले में एस्ट्रोनॉट, दूसरे में आपका पायलट, तीसरे में आपका क्या होगा, ए पर्सन हु इज अ चीफ कुक, चीफ कुक कौन होता है, शेफ बोलते हैं उसको, जो बावर्ची होते हैं, तो इसमें आपका शेफ आ जाएगा। इसके अलावा ए पर्सन हु कीप्स अकाउंट ऑफ मनी, जो पैसे का हिसाब किताब रखते हैं उनको अकाउंटेंट बोलते हैं बच्चों, ये अकाउंटेंट हो जाएगा इसमें। ए पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग, जो डिजाइन करता है बिल्डिंग की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं, ये आर्किटेक्ट आ जाएगा इसमें, ARCHITECT आर्किटेक्ट, जो डिजाइन करता है, ठीक है, बिल्डिंग की डिजाइन करता है, पुल की डिजाइन करता है, बड़ी बड़ी चीज़ों की डिजाइन बनाता है ताकि तब जाके बिल्डिंग्स बन पाती हैं। ए पर्सन हु डज एक्टिंग, जो एक्टिंग करते हैं स्टेज के ऊपर, ठीक है, और फिल्म के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, उनको एक्टर बोलते हैं, तभी तो एक्टिंग करते हैं, तो ये एक्टर हो जाएगा इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें एक्टर हो जाएगा, ACTOR, यहाँ पे देखिए देवी रखा है। ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, जो कि लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, कानून की प्रैक्टिस, उनको लॉयर बोला जाता है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, लॉयर आ जाएगा, LAW BY ER, ठीक है, तो यहाँ पे लॉयर ये दे रखा है आपका, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको, तो ये वन वर्ड वाले हैं, यहाँ पे प्रोफेशन दिए गए हैं और इन्हीं प्रोफेशन से जुड़ी हुई एक एक लाइन दी गई है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, कह रहा हु आर दे, ये कौन, वे कौन हैं। माई मदर हेल्प सिक पीपल, मेरी मदर जो है बीमार लोगों की मदद करती है, शी इज़ ए, वो क्या हो सकती हैं, वो डॉक्टर होंगी तभी तो बीमार लोगों की मदद करेंगी, ठीक है, डॉक्टर। माई अंकल फाइट्स फायर, मतलब मेरे अंकल जो है फायर यानी कि अग्नि से लड़ाई करते हैं, तो वो फायर फाइटर होंगे, तभी तो आग से लड़ाई करते होंगे, FIRE फायर और फाइटर, FIGHTER, ठीक है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, फायर फाइटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तीसरे में क्या होगा देखिए, माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, यानी कि मेरे पिताजी होटल में फूड को सर्व करते हैं, तो वेटर होंगे तभी तो करते होंगे, तो ही इज अ वेटर, WAITER। माई आंट टीचेज मैथ, मेरी माँ जो है वो मैथ पढ़ाती हैं, तो वो शी इज़ अ टीचर, वो क्या होंगी, वो टीचर होंगी तभी तो पढ़ाती हैं, अध्यापक होंगी, अध्यापिका, ठीक है, तो वो अध्यापिका हैं इसीलिए वो टीचर, तो ये आपके क्या हो गए, हु आर दे हो गया। तो इस प्रकार से एक एक्टिविटी इसको कीजिएगा, डिस्कस विद योर फ्रेंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू विल ग्रो अप एंड व्हाई, ठीक है, ये डिस्कस कीज करना है आपको कि आप क्या बनना चाहते हैं व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे और क्यों बनना चाहते हैं आप, ठीक है, इसको डिस्कस कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको लिखिएगा बच्चों, दो चार लाइनें, पाँच लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है,
और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।